मतलब ये बंदा मतलब चलता फिरता भट्टा है उसमें। हाँ सॉरी, तंदूर है ये, चलता फिरता तंदूर है। ये तो ट्रॉफी स्पेस है यार, बेड भी बड़ा वाला है। मतलब ये सारा बर्फ ही बर्फ है, स्नो जो ऊपर से गिरी हुई है। अगेन बिस्पा रिवर बट ऑन द अदर साइड। और एक चीज़ मैं दोबारा कंफर्म कर दूं, अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पे ट्रैफिक स्पेस है तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे तीनों जगहों पर, दीवार की तरफ, दोनों गाड़ी के बीच में और खाई की तरफ, सिर्फ इतना ही स्पेस था कि अगर आप सांस लेंगे तो वो दूसरे के ऊपर हवा जाएगा। इतना सट गाड़ियाँ निकली हैं यहाँ पे, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन यहाँ पे हमारे लिए बन के आ रही थी। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सीधा बीच फ्रंट की तरफ। भाई आप लोग हिमाचल में आते हो यार, इतनी अच्छी जगह है, लेकिन प्लीज एक चीज का ध्यान रखा करो, यहाँ पे यार ऐसे ये मत किया करो, जो कूड़ा साथ लाते हो उसको प्लीज ले जाओ, यहाँ पॉल्यूशन मत फैलाओ। ये इतना साफ इसीलिए है क्योंकि ये साफ बचा हुआ है, मतलब पानी में पैर डाले हुए हैं अभी थोड़े नहीं है, और ये भाई लगी 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 भाई, बहुत बुरा, बहुत ठंडा पानी है एकदम, मतलब बर्फ भी क्या ही इतनी ठंडी होगी, पैर एकदम सुन्न हो रहे हैं, बिल्कुल लिटरली सुन्न हो रहे हैं, मतलब बहुत ठंडा पानी है यार, और मतलब 10 सेकंड से ज्यादा आप पानी पैर में नहीं डाल सकते, और 10 सेकंड में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली बता रहा हूँ, मतलब जो फीलिंग लिटरली आ रही है ना, उस फीलिंग में जो आप नहीं दे सकते, पैर हो रहे हैं एकदम सुन्न भाई, यार थोड़े पानी के अंदर अगर बंदा इसमें गिर जाए तो गारंटेड मरेगा, यहाँ से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है, ऑल्दो पेनफुल बोल सकते हो, दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंट फीलिंग है, कि क्या बोलते हैं, पैर डाल के यहाँ पे आराम से नेचर एंजॉय कर रहे हो, एक तरफ पूरे माउंटेन्स है और वहां शायद बारिश शुरू हो रही है ऊपर, आई डोंट नो कितना क्लियर दिख पा रहा है, शायद वहां बारिश शुरू हो रही है, लग रहा है ऐसा, बादल पूरे घिर रहा है, और एक तरफ देखिए धूप निकल रही है, वहां बारिश है और यहाँ पर धूप निकल रही है पूरे एरिया में, और यहाँ पे आप आराम से डाल के बैठे हो, इट्स अ रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये ऑल टुगेदर। हिमालयन ट्रैक कैंप्स, तो अभी जी हम हैं हिमालयन ट्रैक कैंप्स में, और अगर आप पहाड़ों में आओ और मैगी ना खाओ तो वो आना बेकार है, इसलिए यहाँ पे अनूप भाई लेट रहे हैं,
भाई आपका क्या नाम है? देवरतन जी है, बहुत ही देवरतन जी। जब भी आओ यहाँ पे नदी के किनारे बैठ के साथ में ठंडी ठंडी हवा में देवरतन जी के यहाँ से मैगी जरूर खाओ, बहुत ही बेहतरीन टेस्टी मैगी। और ये अनूप जी खा रहे हैं धीरे धीरे। देवरतन जी का कैंपिंग है, अगर आपको टेंट में कैंप लगा के स्टे करना है तो यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और एक कैंप का इनका 3000 है जिसमें 3 लोग रह सकते हैं, तो सस्ता है। तो ये देवरतन जी जो है, दूसरा देखो यहाँ देखने वाली बात ये नहीं है, ये सब तो फालतू बातें होती रहेंगी रेगुलर है। यहाँ देखो अनूप धीमे धीमे खा रहा है, एकदम उबलती हुई मैगी है। और ये सरदार जी की प्लेट है खाली एकदम, मतलब ये बंदा मतलब चलता फिरता भट्टा है, कुछ भी हाँ सॉरी तंदूर है, ये चलता फिरता तंदूर है, इसमें कुछ भी डाल दो सब फट जाता है भाई साहब। चाय आती है उबलती हुई, चाय खोलती हुई सीधा पेट में जाती है। एक मिनट में चाय खत्म हो जाती है। और यहाँ पे मतलब एकदम उबलती हुई मैगी यार, मतलब 2 मिनट में मैगी बनती है तो पानी कितना उबलता होगा सोचो। 30 सेकंड में खत्म, 2 मिनट का नूडल 30 सेकंड में खत्म, 2 मिनट का नूडल 30 सेकंड में खत्म। तो ये हमारे स्पेशल गुरबीर साहब। तो अभी इस टाइम पे हम जा रहे हैं देवरतन जी के साथ में, हिमालयन ट्रैक कैंप्स यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हुए हैं, सारे अरेंजमेंट्स भी लग रहे हैं टॉयलेट वगैरह के। तो एक बार अंदर से भी देख लेते हैं कि किस टाइप के टेंट्स हैं यहाँ पे, क्या अरेंजमेंट्स हैं। टेंट नंबर 3 में, अच्छा ये पूरा जिप से बंद हो जाता है पूरा, बहुत सही बेहतरीन। ये तो ट्रॉफी स्पेस है यार, बेड भी बड़ा वाला है मतलब। तो इस टाइप का टेंट है ये पूरा, और ये एयर टाइट है पूरा, डबल लेयर में है ताकि ठंड अंदर पास ना हो। ये वॉशरूम वाला एरिया है पूरा। मेड माई ट्रिप दो आई वीवो पे है, आप वहाँ पे अवेलेबिलिटी और बुकिंग दोनों ही कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये है टेंट, और ये है सामने जो है नदी पूरी, बिस्पा रिवर यहाँ से बहती हुई। तो आओ बैठो आराम से अपना एंजॉय करो टेंट के अंदर, और सामने जाके नदी किनारे शाम में एंजॉय करो, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ बताइए सर, ये जो भी अपने साथ कचरा लाएं तो ये क्या नाम, अब अगर प्लास्टिक हो गया जैसे बॉटल्स हो गए तो नदी किनारे या अरे परे आप ऐसा ना फेंकें, हमें दे दें यहाँ पे, हमारे पास ये क्या नाम डस्टबिन गार्बेज है तो वहाँ डाल सकते हैं आप। हाँ जी। तो कई बार हमारे को दिक्कत रहता है, इसलिए थोड़ा सा सफाई का बहुत ध्यान दीजिए। दारू के, बियर के, विस्की के कंटेनर्स, डब्बे और बोतलें मिले हैं। तो यार देखो ये खूबसूरत इसलिए है क्योंकि ये साफ है, गंदगी फैला दो तो ये भी वही टूटा हो जाएगा पूरा जो बाकी शहरों में। बिल्कुल सर अब जब इतने आप अपने घर को सफाई रखते हैं तो जहाँ भी जाएँ तो थोड़ा सफाई का ध्यान दें। बिल्कुल, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है क्यों जी। और ये तेज हवाओं के बीच अभी हमने जो चिटकुल ब्रिज है, मैं अभी वापसी में दिखाता हूँ आपको, वहाँ पे है, उसे क्रॉस करके अपोजिट साइड आ रहे हैं, मतलब चिटकुल विलेज जो गांव है पूरा वो उस साइड पड़ता है वहाँ पे कहीं पे। और ये जो है पूरा, ये पूरा जंगलों का एरिया है, सारा जंगली एरिया, कोई बसावट यहाँ पर नहीं है। अब हम आए तो देखिए यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे जरा जरा पर स्नो पैचेस हैं, मतलब बर्फ़ ऊपर से गिरी हुई है या जमी हुई है या पड़ी हुई है जो भी है, ये सारा बर्फ़ ही बर्फ़ है, स्नो जो ऊपर से गिरी हुई है या पड़ी हुई है। और आज जो है, अभी आज डेट जो है वो है अप्रैल मिड, मतलब मिड ऑफ अप्रैल में भी यहाँ पे बर्फ़ ऐसे नीचे आई हुई है, तो आप समझ सकते हैं कितना कोल्ड एरिया है। और रात का टेम्परेचर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अराउंड -1 है, फील लाइट -6 के आसपास टेम्परेचर है। तो छोटी सी हाइट है यहाँ पे, हाइट आप कर सकते हो, आगे बहुत सारे हाइकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम आप जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं तो अभी ना हिम्मत है ना टाइम है, इसलिए हम अभी आज तो मतलब हाइट पे नहीं जाएंगे, लेकिन दिस इज़ द बेस पॉइंट, यहाँ से आप काफ़ी सारी हाइट आगे कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको चिटकुल ब्रिज। और एक चीज़ और यहाँ पे ना, जरा जरा पर ये भी पड़े हुए हैं, इफ़ यू सी, सो दीज आर पाइन फ्रूट्स, सारा भरा पड़ा है पूरा एरिया, तो पाइन ट्रीज हैं यहाँ पे, थोड़ा लगता है तो यहाँ से पाइन फ्रूट्स आके नीचे गिरते हैं, जो आप तो यहाँ पे नज़र आएंगे, सारा एरिया पूरा भरा हुआ मिलेगा। चिटकुल ब्रिज, लेट मी शो यू, जो है ये है चिटकुल ब्रिज यहाँ पे, अभी आते हैं एक बार जरा नीचे से कुछ शॉट्स और लेने, बहुत बेहतरीन व्यू आ रहा है नीचे वाला, वहाँ से लेके फिर हम वापस यहाँ पर आते हैं। एंड हियर वी आर एट दी अगेन बिस्पा रिवर बट ऑन दी अदर साइड, और ये फ्रेश पाइन फ्रूट यहाँ पे गिरा हुआ है,
बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं भाई। नो इस पे नो, डेंजरस है। फैमिली यहाँ पे आई हुई है, घूम रही हैं। तो ये है चिटकुल ब्रिज जो बता रहा था मैं आपको, ये कनेक्ट करता है दोनों साइड्स को। बीच में है बिस्वा रिवर और यहाँ पे हम, ये सेकेंड लास्ट बाइट होगा, एक बार ब्रिज पे जाएंगे, वहाँ से आज की बाइक क्लोज करेंगे, आज का ब्लॉग क्लोज करेंगे। और दिखेगा तो डेफिनेटली विल कनेक्ट। हवा था, हवा इस टाइम पे इतनी तेज है कि मैं माइक नंबर क्लोजली बोल रहा हूँ, आई डोंट नो कितना आवाज़ आ पा रही है, लेकिन गॉगल्स लगाने के बाद, चश्मा लगाने के बाद भी मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं, आँख से पानी आ रहा है, शायद दिख रहा हूँ आपको। बहुत तेज हवा है, बहुत तेज हवा है यहाँ पे, वेरी चिली, टोटली अनग्रेट एक्सपीरियंस एंड न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। अब हम चल रहे हैं वापस चिटकुल ब्रिज से होते हुए अपनी गाड़ी की तरफ। 3400 मीटर की हाइट पे अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल बिट टायरिंग, एंड वी आर ऑन द टॉप। दिस इज विनीत फ्रॉम चिटकुल। हम उस तरफ थे अभी, वहाँ से निकल के चिटकुल ब्रिज से होते हुए अब यहाँ से वापसी तरफ होते अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं वापस, और होपफुली अभी यहाँ से हम साइन आउट करेंगे, निकल जाएंगे, एंड कुछ और मिलता है तो आई विल डेफिनेटली शो यू गाइस, अदरवाइज दिस माइट बी दी एंड ऑफ दिस सीरीज। एंड गाइस थोड़ी सी यहाँ मेहनत करिए, देखो यार सांस भी फूल गया है यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, नेचर, नेचुरल ब्यूटी हिमालय आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना, थम्स अप दबा देना। नेचुरल ब्यूटी है, कुछ खास ज़्यादा फैंसी और मैन मेड नहीं है, पूरा नेचुरली है यहाँ पे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है, ये छोटा सा एरिया है, बट नेचर से फुल है। बहुत ही खूबसूरत जगह का सफ़र करके यहाँ से अब हमने वापसी करी है अपने घर की तरफ, और ये रास्ता आप देख सकते हैं, आते हुए रास्ता अंधेरा हो गया था, जो लास्ट सेगमेंट था वो क्लियर नज़र नहीं आया था, लेकिन अब आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो वापसी का रास्ता है वो भी अपने आप में एक वे टू हेवन या जन्नत के रास्ते से कम नहीं है। लेकिन अगेन वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं, सड़कें छोटी हैं, क्रिटिकलिटी है, और यहाँ पर गाड़ी अगर बड़ी गाड़ी स्पेशली आ जाती है तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सबब बन सकती है। तो यही समस्या हमारे साथ भी यहाँ पे हुई, जो एक ट्रक यहाँ पे फंस गया था, और उस ट्रक को पास देने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, रिवर्स लेना पड़ा, बिकॉज इतना स्पेस नहीं था। तो ये अगेन एक चैलेंज यहाँ पे है, तो अगर आप ड्राइव करके यहाँ पे जा रहे हैं तो प्लीज़ बी कॉशियस इस पॉइंट पे। और बारिश भी यहाँ पे हल्की हल्की शुरू हो रही है, तो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, लेकिन अगर हैवी बारिश यहाँ पर होती है तो वो फर्दर आपकी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बढ़ा सकती है। तो चलिए इस ट्रक को आगे पास देके फिर निकलते हैं आगे, और आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। इस टाइम पे हम हैं एक और व्यू पॉइंट पे, जो है सांगला वैली के आसपास टाइम पे है, एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, बीच में ही रोड के दिख गया था तो रुक गए थे, बट यार अगेन यहाँ पे भी सेम वही है, आप आए हो तो थोड़ी रुक सकते हो। इस पॉइंट पे मैं दिखाता हूँ आपको क्या चीज़ खास है। तो ये देखिए, ये जो है ये पूरा एक ग्रीन वैली है, बीच बीच में घर नज़र आएंगे बहुत दूर दूरी पर, तो सारे बसे हुए हैं, और ये जो रास्ता है जो सामने नज़र आ रहा है, जो पतडंडी सी बनी हुई है, ये सीधा एक ट्रैक की शुरुआत है यहाँ से, और ये ट्रैक जो है सीधा जाती है देहरादून, और ऊपर सूरज है, बादलों के पीछे छुपा हुआ,
थोड़ी थोड़ी रोशनी नज़र आ रही है। अभी इस टाइम बज रहे हैं 5:30, तो आधा पौने घंटे की सनलाइट अभी डे लाइट अभी और बची है, और वो सामने कुछ बाइकर्स आ रहे हैं। तो ये पूरी रोड जो है ये सारी होते हुए लास्ट में हम क्रॉस करते हुए वहाँ से निकलेंगे। तो ये जो ट्रैक है, तो ये जो है ये वाली ट्रैक जाती है सीधी यहाँ से होते, ये वाली जो ट्रैक जो ये सीधी जाती है यहाँ से होते हुए देहरादून के लिए। 8 से 10 दिन का रास्ता है, 8-7 दिन बाद शायद फर्स्ट विलेज मिलता है इस ट्रैक पे, और पीछे एक पूरा बर्फ़ का पहाड़ है जिसको क्रॉस करना पड़ता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एफर्ट है। जो लोकल्स बता रहे हैं यहाँ पर बहुत हार्ड ट्रैक है, इट्स नॉट एन ईजी ट्रैक डेट यू कैन डू। तो यहाँ से होते हुए पूरा चलता है। चलिए गाइस, आई थिंक ये वाला शायद लास्ट हो सकता है, बाकी आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना यार, 8 मिनट लगता है, 8 सेकंड लगता है यार दबाने में, और बाकी वीडियोस ऐसे आते रहेंगे। कहीं अनजानी जगहों पे यार, अननोन प्लेसेस में हम कोशिश रहेंगे, यार लेस नोन प्लेसेस में कोशिश करेंगे, दैट्स द राइट वर्ड। और सब्सक्राइब कर देना बाकी अपडेट्स के लिए। सी यू गाइस, हैव अ गुड लक, सी यू नेक्स्ट टाइम।